दशकों के बाद देखने को मिला दुर्लभ प्रजाति का सांप, इसका दिखना होता है शुभ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगल में करीब 85 साल बाद एक दुर्लभ प्रजाति के रेड कोरल खुखरी सांप को देखा गया है। दुधवा नेशनल पार्क प्रशासन के कर्मचारी नियमित कार्यों में लगे थे, तभी जंगल के बीच रेलवे ट्रैक के किनारे उन्हें एक दुर्लभ प्रजाति का लाल रंग का रेड कोरल खुखरी सांप दिखाई दिया। वहीं दुधवा के जंगल में इस दुर्लभ प्रजाति के सांप को देखते ही उन्होंने उसकी तस्वीर खींचनी शुरू कर दी। दुधवा नेशनल पार्क के कर्मचारियों ने खींच ली तस्वीर, जिसके बाद उसकी जानकारी अन्य वन जीव प्रेमियों से ली गई, जिसमें पता लगा कि यह रेड कोलर खुखरी सांप है। दुधवा टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर ने जानकारी दी कि करीब 85 साल बाद ये सांप दिखाई दिया है। 1936 में सांप को देखे जाने के बाद 2012 में दोबारा दिखाई नहीं दिया, हालांकि इसकी कोई तस्वीर सामने नहीं आई। 20 फरवरी 2019 को दोपहर टाइगर रिजर्व के जंगल में रेलवे लाइन के किनारे कॉम्बैट टीम ने सांप को देखा, उसकी तस्वीर ली। दुधवा टाइगर रिजर्व में 85 साल बाद इस दुर्लभ सांप का देखा जाना शुभ संकेत है। दुधवा टाइगर रिजर्व में 85 साल बाद देखे गए दुर्लभ प्रजाति के रेड कोरल खुखरी सांप का अंग्रेजी नाम ओलिगोडॉन खीरीएनसिस है। अद्भुत रंग के कारण यह सांप अपनी सुंदरता के लिए बेमिसाल है। इस सांप में जहर नहीं होता, मूंगे की तरह दिखता है और लाल रंग का होता है। इसे रेड कोलर और गोरखा रेजिमेंट में इस्तेमाल की जाने वाली खुखरी की तरह बनावट की वजह से इसे रेड कोरल खुखरी सांप भी कहा जाता है। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं।